तो भाई लोग कैसे हो? तो गाइज फाइनली 10 महीने के बाद BGMI के अंदर ब्रांड न्यू सीजन आ चुका है जो है C4S11। बट यहाँ पे गाइज एक चीज हमने देखी, कोई भी नया मोड नहीं आया है, ना ही आप लोग BP कॉइंस को एक्सचेंज करके क्रेट कूपन्स ले सकते हो। बट यहाँ पे कुछ नई चीजें आई है एंड नया मोड हम लोग कब देख सकते हैं एंड पूरा क्या सीन है सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। एंड गाइज नया सीजन आ गया, रॉयल पास भी आ गया, तो एक रॉयल पास तो बनता है, तो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में रॉयल पास ले सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे रिटर्न मैच पर्क्स आ गए हैं, फर्स्ट विन बोनस, टियर प्रोटेक्शन, एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड। तो जो रिटर्न इवेंट चल रहा है उसके ये सारे रिवॉर्ड्स है, इसको कट करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए एक नई चीज आई है जो है टियर गोल। तो यहाँ पे लिखा है सेट सीजन गोल, फिनिश सेटिंग अ गोल टू क्लेम प्राइजेस। तो जब तक ये फीचर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइज, एक लाइक हो जाए वीडियो पे, अपना लाइक एम है 20,000 लाइक्स का। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइज अपने जो लास्ट वीक के सभी वीडियो है उसमें से भी रॉयल पास विनर्स UC विनर्स होने वाले हैं, बट फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कोड़ा शॉप के ऊपर UC रॉयल पास आने का। जैसे ही वहाँ पे आएगा, 2 से 3 दिन हम लोग वेट करते हैं, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करेंगे। जैसे ही वहाँ पे वो आ जाएगा सेक्शन जहाँ से UC रॉयल पास डायरेक्टली अकाउंट में सेंड कर सकते हैं, तो मैं आप लोग के अकाउंट में UC रॉयल पास सेंड कर दूंगा, विनर्स भी बता दूंगा उसके पहले। एंड अगर 2-3 दिन में वहाँ पे नहीं आता तो फिर गाइज आपको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके आपको गूगल प्ले के गिफ्ट कार्ड्स दे दूंगा। ज़्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिन वेट नहीं करवाऊंगा, डोंट वरी, जो विनर्स है उनको मिल जाएगा, ठीक है? तो 2-3 दिन बस वेट करते हैं हम लोग। तो फिलहाल गाइज यहाँ पे देखिए सेटिंग ए टीयर गोल, इस फीचर को देखते अ न्यू सीजन है स्टार्टेड, अर्न रिवॉर्ड्स फॉर बोथ सेटिंग एंड अचीविंग योर टीयर गोल। तो सीजन तो पहले भी रिसेट हो रहा था 10 महीने से, बट कुछ नई चीजें नहीं आ रही थी। तो लास्ट सीजन का मेरा हाईएस्ट था एस, तो यहाँ पे 4400 पॉइंट्स में मैं गया था, तो मुझे यहाँ से आगे सेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या रूल्स है टीयर गोल के एंड ये क्या नई चीज़ है। एंड जब भी आप टीयर गोल को सेट करोगे तो इसे आप सीजन के बीच में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको पहले तो ये दिखा देता हूँ, सीजन का ड्यूरेशन देखिए, 2 जून से सीजन शुरू हुआ है एंड 21 अगस्त तक सीजन चलने वाला है, यानी कि पूरे के पूरे 80 दिन ये सीजन चलने वाला है, ठीक है? तो आपको पता रहेगा इतने दिन में आप कब तक आगे रैंक पुश कर पाओगे। एंड 21 अगस्त के 2-3 दिन पहले हम लोग को नेक्स्ट रॉयल पास जो A1 रॉयल पास है वो देखने मिल सकता है ना? 1 मंथ वाला तो आने वाला है 1 महीने के बाद, बट 2 महीने वाला जो नया सिस्टम का रॉयल पास है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को 18-19 अगस्त के अराउंड देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जितना हाईएस्ट आप टीयर सेट करोगे उतने आपके अच्छे रिवॉर्ड्स होते जाएंगे। अगर आप एस सेट करते हो तो आपको यहाँ पे 2 क्लासिक क्रेट कूपन मिल रहे हैं, जैसे रिवॉर्ड सेट करोगे आपको यहाँ पे सीजन टोकन्स इंस्टेंटली मिल जाएंगे। बट अगर 5000 करते हो तो 1 प्रीमियम क्रेट का कूपन एंड उसके आगे जैसे जाते जाओगे यानी कि कॉन्करर तक, तो आपको मिल जाएंगे 2 प्रीमियम क्रेट के कूपन्स। तो यहाँ पे भाई रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, यहाँ तक सेट करता हूँ मैं, आई थिंक 2 महीने में यहाँ तक तो चला ही जाऊंगा। तो सीजन टोकन्स तो मिल गए हैं एंड यहाँ पे टीयर रिवॉर्ड्स भी आ गए। तो टीयर रिवॉर्ड्स बताने के पहले गाइज रॉयल पास की बात करते हैं। गाइज आपको तो पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रमोट करते हैं रॉयल पास गिव अवे, UC गिव अवे एंड बहुत कुछ, बट आपको तो ये मिलता ही नहीं है। एंड जिनको मिलता है तो बहुत ही मुश्किल से, लकी बंदों को ही मिलता है। तो एक वेल नोन कंपनी है स्टैन करके, जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे कि मॉर्टल, स्काउट, जोनाथन वगैरह सब लोग पार्टनर्ड है। एंड उन्होंने मुझे भी पूछा कि मेरे साथ कैसे पार्टनर करे, तो मैंने तो उनको बता दिया भाई जब मेरे व्यूअर्स को रॉयल पास मिलेगा तब। तो काफी इजी है, आपको पहले स्टैन को डाउनलोड करना है मेरे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन है। यहाँ पे रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो, सबको एक गारंटेड रिवॉर्ड मिल रहा है फ्रॉम रॉयल पास, BGMI, UC, पॉपुलैरिटी एंड बहुत कुछ। इसमें आपको लॉग इन करके हर दिन फिल करना है, जितना ज्यादा फिल करोगे उतना ही आपका हाई चांस होगा रिवॉर्ड मिलने का। इसके अलावा आपको तो पता है BGMI एक एडिशनल बोनस चला रहा है जहाँ पे 80 and 300 UC परचेस में मिल रही है। तो इसको मैं आपको इजी में बताता हूँ कैसे आप इसे बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। लॉगिन करके मिडल में देखिए स्टार्ट मिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू यूजर्स के लिए मल्टीपल मिशंस है जहाँ पे आप जेम्स अर्न कर सकते हो। मैंने स्पिन द व्हील में स्पिन किया, डेली स्ट्रीक में फिर से जेम्स क्लेम किया और ऐसे ही गेम खेलने में भी जेम्स मिलेंगे। तो डेली 5-10 सेकंड के अलग अलग मिशन कम्प्लीट करो एंड जेम्स को कलेक्ट करते रहो। तो अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि मैंने 4-5 दिन का मिशन पहले ही कम्प्लीट कर लिया एंड सारे जेम्स मैं कलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं रिडीम ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मैं इंस्टेंटली 85 रुपीज का रिडीम कोड क्लेम कर सकता हूँ एंड 850 जेम्स से 85 रुपीज उसको मैं प्ले स्टोर में डाल के BGMI में जाके 75 रुपीज पे करके क्लेम करता हूँ। और तो
तो और आप रेफर करेंगे तो भी आपको जेम्स मिलेगा, सो आप जल्दी से ये ऑफर को ले लो, तो इजी है ना गाइज। और इनके ऐप में और भी तरीके हैं जेम्स कमाने के, वो आप एक्सप्लोर कर लेना, आपको भी मजा आएगा। ऑल्सो इनके BGMI स्क्रीम्स भी होते हैं जहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस एज वेल। ऑलराइट गाइज, जो टीयर रिवॉर्ड्स मैंने बताए थे वो टीयर रिवॉर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिलहाल तो भाई ये ब्रॉन्ज वाला मिल गया है हम लोग को, इसके अलावा विक्टर बाबा भी है भाई, C4 SE11 का सेट विक्टर बाबा पे भाई बड़ा मस्त दिख रहा है, इसे भी कलेक्ट करते हैं। एंड एक अच्छी चीज़ है गाइज, साइकिल रिवॉर्ड्स जो है ना वहाँ पे आपको बढ़िया चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो प्लैटिनम पे जाते ही ये चश्मा मिल जाएगा, डायमंड पे ग्रोजा की स्किन मिल जाएगी, कार्ड मिल जाएगा, एस पे फिर मास्क मिल जाएगा, यहाँ पे कैप मिल जाएगी, एस मास्टर पे, डोमिनेटर पे, यहाँ पे अवतार एंड कॉन्करर की फ्रेम वापस आ चुकी है गेम के अंदर। जी हाँ गाइस, कॉन्करर की फ्रेम वो इफेक्ट आ चुका है, तो भाई इस बारी तो आप क्लेम कर सकते हो अगर आप लोग कॉन्करर जाते हो तो। ये इफेक्ट तो भाई कतई लाजवाब लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड एक और चीज़ गाइस यहाँ पे देख लीजिए, सिल्वर आ चुका है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 2000 सिल्वर ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे रिडीम कर लेते हैं, 200 सिल्वर मिल चुके हैं, तो ऐसे रिडेम्पशन लिमिट फॉर दिस सीजन इज 100 out of 1000। यानी कि गाइज आप ये फ्रैगमेंट्स 1000 रिडीम कर सकते हो एंड 2000 सिल्वर ले सकते हो। एंड सिल्वर तो ले ही लेना, क्योंकि गाइज एक्सूट आने वाला नया स्टीजियन लेज एक्सूट, एंड उस एक्सूट में सिल्वर से भी स्पिन आती है, तो 1500 सिल्वर का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल फ्री में स्पिन कर सकते हो। एंड काफ़ी लोग को वहाँ पे मिथिक इमोट मिल जाता है, तो वो ट्राई कर सकते हो ज़रूर। स्टीजियन लेज एक्सूट बहुत ही जल्द आने ही वाला है गेम के अंदर। साइकिल रिवॉर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, तो गाइज फाइनली यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, साइकिल रिवॉर्ड्स हम लोग को मिस आउट नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो लोग पूछ रहे थे कि प्रीवियस जो 10 महीने में सीजन्स गए थे उनके रिवॉर्ड्स, तो वो रिवॉर्ड्स तो आपको नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे S10 से S12 तक इन्होंने पूरा साइकिल रखा हुआ है। गेट डायमंड बैज इन एवरी सीजन टू गेट 1 medal, गेट 3 medals consecutively टू कलेक्ट एन एक्सक्लूसिव साइकिल रिवॉर्ड। तो डायमंड बैज का रिवॉर्ड देखिए ये वाला है, उसके बाद क्राउन बैज रिवॉर्ड ये वाला सेट होने वाला है, मस्त लग रहा है ये सेट। होवरबोर्ड, एस जाते हो आप कंटिन्यूस 3 बार तो आपको होवरबोर्ड मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, होवरबोर्ड तो काफ़ी कूल है। एंड आई थिंक गाइज आप लोग इसे लेना ज़रूर चाहोगे, साइकिल 4 का होवरबोर्ड रिवॉर्ड है ये। तो जैसे अगस्त में नया सीज़न आएगा 21 अगस्त को, तो उसके बाद आप एस में जाके इसे क्लेम कर सकते हो, काफ़ी कूल होवरबोर्ड है वैसे। सेट भी एक बार देख लेते हैं, ओके यहाँ पे एक्सूट ही आ रहा है, तो आई थिंक चेंज नहीं हो रहा। तो एनीवे गाइस सेट कैसा है आपको आइडिया तो आ ही गया है। यहाँ पे गाइस ट्रेजर्स में जाते हैं, तो एक यहाँ पे ख़राब चीज़ है, आप सिल्वर के बदले यहाँ पे क्रेट कूपन्स नहीं ले सकते। वहाँ पे हम लोग जो उसके फ्रैगमेंट्स लेते थे, कूपन्स बनाते थे क्रेट ओपनिंग के लिए, तो फिलहाल वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने मिली है आज के अपडेट के बाद। मुझे लग रहा है गाइस इस अपडेट में हम लोग को फिलहाल तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक मिड सीजन कुछ नई चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, अनलेस ये ग्लिच की वजह से हुआ है एंड आज शाम तक या कल तक यहाँ पे कुछ छोटा सा इन गेम अपडेट आ जाए, वो चीज़ शो होने लग जाए। ऐसा होता है तो बढ़िया होगा, अदरवाइज तो वेट ही करना पड़ेगा हम लोग को अगले सीजन का। आई डोंट थिंक तब तक हम लोग को फिर यहाँ पे रिडीम करने का ऑप्शन मिलेगा, जो काफ़ी ख़राब चीज़ है अनफॉर्चुनेटली। रिडीम सेक्शन में गाइज देखिए, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा सिल्वर है ना, तो आप एक मिथिक पैन यहाँ से रिडीम कर सकते हो। मेरे पास तो ये पैन है नहीं, तो आई थिंक मैं इसे रिडीम कर लेता हूँ, सिल्वर काफ़ी है मेरे पास। बट आपके पास लिमिटेड सिल्वर है, तो एक्सूट की जो स्पिन है ना उसको करने के लिए वेट करना है ना, सिल्वर बचा के रखना, ठीक है। जो नए लोग होते हैं उन्हें इतना पता नहीं रहता, जो न्यू प्लेयर्स वगैरह है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी गाइस एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, न्यू मोड के बारे में भी बात करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कल क्राफ्टन की तरफ से गिफ्ट आया था, 9100 UC रॉयल पास S21 लेने के लिए रॉयल पास भी आया था यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, तो थैंक यू सो मच क्राफ्टन, UC कलेक्ट कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे रॉयल पास ले लेते हैं। रॉयल पास तो मैंने कल ही मैक्स आउट कर दिया है, यहाँ पे कार्ड्स भी आए हैं, कार्ड्स ले लेते हैं, ओके करते हैं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट क्राफ्टन। इन्वेंट्री में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, काश ये रॉयल पास में किसी व्यूअर को गिफ्ट कर पाता, बट ऐसा नहीं कर सकता, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कुछ करने का, तो अनफॉर्चुनेटली हमें इसे डिसमेंटल करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज उम्मीद थी कि कोई नया मोड हमें देखने मिल सकता है, बट फिलहाल यहाँ पे कोई भी नया मोड हम लोग को नहीं देखने मिला। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आज गेम के अंदर जाके,
सिर्फ क्लासिक इरेंगल मैप है एंड बाकी दूसरे मैप्स हैं एंड नूसा मैप एक नया एडिशन है, बस वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रही है। वाव मोड वगैरह भी नहीं आया एंड वाव मोड आने के चांसेस हो सकते हैं गाइज, ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने रॉयल पास की जो लीक्स की वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पे मैंने दिखाया था यहाँ पे 10 लेवल पे ना एक टैंक की स्किन थी, बट अगर पेलोड 3.0 BGMI में इस सीजन में नहीं आने वाला तो ये टैंक की स्किन हमें नहीं मिलेगी, ये बताया था। एंड आपने देखा यहाँ पे रॉयल पास में दो दो प्लेन की फिनिशेस है, यहाँ पे लेवल 10 पे इन्होंने प्लेन की फिनिश डाल दी, तो उनको पता था ये बोर्ड नहीं आएगा तो इन्होंने फिनिश डाल दी। बट हम अगर मिशंस में जाके चेक करते हैं तो वीक वन के मिशन में देखिए क्या है, ये देखिए ये वाला मिशन प्ले 3 वर्ल्ड ऑफ वंडर क्रिएशंस। अगर इन्होंने इतना बारीकी से ध्यान दिया है एंड इनको पता है पेलोड नहीं आने वाला तो उन्होंने वो हटा दिया, तो वर्ल्ड ऑफ वंडर अगर नहीं आने वाला तो ये मिशन देने का कोई पॉइंट नहीं बनता था। तो ये आइदर इनकी गलती है, इनसे मिस आउट हो गया है, बट आज अपडेट आया उसके बाद भी ये आरपी मिशन यहाँ से चेंज नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है गाइज वाव मोड आ सकता है, फिलहाल आई थिंक कुछ चेंजेस हो रहे होंगे गेम के अंदर, उसके बाद हमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे गाइज मैंने इजी मिशन लाइसेंस ले लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वीक टू में जाके यहाँ पे भी एक मिशन है। वन सेक, ये देखिए, यूज द सप्लाई कन्वर्टर 5 times इन क्लासिक मोड इमेजिवर्सरी। तो अगर ये मोड नहीं आने वाला तो इन्होंने ये आरपी मिशंस क्यों ऐड किया, आई डोंट नो, इनकी गलती है, इनसे मिस आउट हो गया है, या फिर ये मोड लाइंड अप है आने वाले कुछ दिनों में। तो फिलहाल तो इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि 2 June को तो कोई भी मोड नहीं आया, तो लेट्स वेट फॉर दैट। एंड काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उनका डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो गाइज़ मुझे लगता है कोई पैच आ गया था गेम में छोटा सा कुछ MB का, उसके बाद अभी चेक करिए, अभी आपका इशू नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में देखा मैंने काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई मेरा डेटा पैक तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है डेली, तो आई थिंक फिलहाल वो इशू सॉर्ट हो गया है। एंड आज गाइज 4 बजे BGMI राइजिंग डे 2 है, तो वहाँ पे आके सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, पहले दिन भी काफ़ी मज़ा आया था, इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर अपडेट्स भी दे रहा था, तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करना एंड कमेंट सेक्शन में कैरेक्टर एडिट डालना। 2-3 दिन हम वेट करेंगे, उसके बाद गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, जो जो विनर्स है सारे विनर्स एक साथ ही बता दूंगा। एंड जो जो बंदे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि रॉयल पास UC गिव अवे दे दो या कुछ ऐप डाउनलोड करके अगर आपका स्कैम हो रहा है, तो भाई स्टैन को डाउनलोड कर लो एंड खुद ही अर्निंग शुरू करके रॉयल पास UC आराम से ले लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।